अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बर्गर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो डोमिनोज स्टाइल में है, वेज है, वेज प्रीमियम डोमिनोज स्टाइल में जो बर्गर आता है पिज़्ज़ा बर्गर, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो कि इसे बनाना बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम लगता है इसे बनाने के लिए, लेकिन आप अच्छे से सब तैयारी कर लोगे तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में से कट कर लिया है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं मिक्स हर्ब्स ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास ये ना हो तो आप उसमें ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसमें ऐड, यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून ही ऐड किया है, तो आप उतना ही ऐड कर लेना। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स हम ऐड कर देंगे। 1/4 टी स्पून हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। तो ये हमारी पनीर की सीजनिंग हो गई है। तो और यहाँ पे मैं आपको इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी भी बता रही हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने 1/2 कप टमाटो केचप ले लिया है, इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। और ये वही वाली सीजनिंग है, पिज़्ज़ा सीजनिंग, उसे मैंने ऐड कर दिया है। रेड चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्ची, और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा इंस्टेंट वाला पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया है। तो अभी हम इसे भी साइड में रख देते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो और थोड़ी सी आप प्रिपरेशन कर ले तो। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है और इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड कर देंगे। जब हमारा बटर अच्छे से पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से आप मेल्ट कर लेना पहले। तो इसमें हम 1/4 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे, अदरक का पेस्ट, और इसे सॉटे कर लेंगे बटर के साथ। यहाँ पे मैंने 1/2 कप अनियन ली है, प्याज को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, चॉप कर लिया है, तो ये ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 1/2 कप मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है। हमें सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका जो क्रंच है वह वैसे ही रहना चाहिए। और यहाँ पर मैंने कॉर्न भी ऐड कर दिया है। ये मैंने टमाटर है, उसके मैंने बीज निकाल दिए हैं और इसे भी बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। तो कितना कलरफुल लग रहा है। ये वही पिज़्ज़ा सॉस है जो हमने अभी रेडी की थी। तो इसका 3 टेबल स्पून हम ऐड कर देंगे। और ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है, उसे भी ऐड कर देंगे हम। 1/4 टीस्पून हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे हम इसमें, और सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लेना और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से सब मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और उसे भी मिक्स कर देंगे। पनीर अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो आप सिर्फ पनीर डालोगे तो लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये प्रीमियम वाला डोमिनोज स्टाइल में मैंने बनाया है, तो उसमें पनीर पड़ता है, इसीलिए मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्रेश लेमन जूस ऐड कर दिया है, उसे मिक्स कर देंगे। और लास्ट में हम इसमें थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे, उसे भी मिक्स करके हम इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्गर बंस लिए हैं, लेकिन ये होममेड है, तो इसे मैंने खुद ही बनाया, ये भी वो भी बिना ओवन के। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज ले लिए और इसमें मैंने मेयोनीज लगा दिए बर्गर्स पे, सारे बर्गर्स पे हमें मेयोनीज लगा लेनी है।
इस तरह से हम लगा लेंगे। और ये वही स्टफिंग है जो हमने अभी तैयार की थी, वो रख देंगे। कितना अच्छा लग रहा है अभी से। अभी ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ था, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है, तो ये वो हम ऐड कर देंगे। अब मोज़रेला चीज़ की जगह पे कोई और भी चीज़ या चीज़ स्लाइस जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हो, प्रोसेस चीज़ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम ऐड कर देंगे और ये हमारा बन को हम रेडी कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद चीज़ उसके ऊपर हम रख देंगे अच्छे से। आप ज़्यादा भी चीज़ लगा सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पर वही हम थोड़ी सी सीजनिंग ऐड कर देंगे और चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा बटर को हम मैंने ग्रीस कर लिया था। और इसमें अब भी हम बर्गर्स रख देंगे और हमें इन्हें पकाना नहीं है, हमें बस हमारा जो चीज़ है उसे मेल्ट करना है। तो ये देखिए हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो ये हमारे बर्गर्स रेडी हो गए हैं अभी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से, तो ये हमारे मिनी डोमिनोस स्टाइल पिज़्ज़ा बर्गर रेडी है और बहुत ही डिलीशियस भी बने थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत ही इजी है, आप इसे ट्राई करना, कोशिश करना बनाने के लिए। बहुत आसान रेसिपी है, आप घर में इसे अच्छे से और आराम से बना सकते हो और टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी आपको वैसी ही आएगा जो डोमिनोस स्टाइल में आता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।